मैं यहाँ इसलिए रुक गया, यहाँ पर मैंने एक ऐसा पेड़ देखा जिस पर फल एक अजीबोगरीब तरह का लगा हुआ था। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। और ये पेड़ पर जो फल लगता है, ये फल है हेलमेट। जी हाँ, वही हेलमेट जो हम बाइक पे और स्कूटर पर लगाते हैं चलते हुए। बड़ा हैरानी वाला पेड़ मुझे मिला, तो मैंने सोचा आपके सामने शेयर करूँ, दिखाऊँ इसको। काफ़ी दूर चलना पड़ गया हमें, दरअसल दूसरा ऑटो गलत ऑटो पकड़ा गया, वहाँ से वापस जीट रोड से वापस आ रहा हूँ मैं। ये गांव पड़ता है जहाँ के इसके पास है झंझाड़ी, जहाँ पर ये कर्ण से संबंधित ये जगह है करनाल में। काफ़ी चल लिए और थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ी चाय पीते हैं। पीछे एक ढाबा देख रहे होंगे शायद, दिख रहा हो भैया? दो चाय बनाना। चाय खत्म हो गई है, अब आगे चलते हैं। इस करनाल शहर में एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, या यूं कहें कि पिकनिक स्पॉट है, उसका नाम है कर्ण लेक। ये कर्ण के नाम पर है ये, और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए आज आपको घुमाकर दिखाते हैं कि ये कैसी है और यहाँ पर क्या क्या देखने लायक है। एक्चुअल मैं इसका नाम तो कर्ण लेक है, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि ये जो महाभारत के कर्ण थे उसका इस लेक से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये करनाल जो शहर है, ये कर्ण के नाम पर बसा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम, इस झील का नाम कर्ण झील रखा हुआ है। इस कर्ण लेक के पास, कर्ण झील के पास एक बहुत बड़ी नहर है, और ये नहर है भाखड़ा नहर। और ये जो नहर है ये आ रही है निकल कर भाखड़ा डैम से, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा डैम है। ये आप देख सकते हैं, ये पक्का होने का काम चल रहा है इस नहर को, इसको टोटली पक्का कर रहे हैं ताकि पानी का जो सप्लाई में लॉस हो जाता है कच्ची नहर में वो न हो। और यहाँ पर जो एक कर्ण लेक है उसके लिए, आइए आपको दिखाता हूँ एक चीज़। जो कर्ण लेक है वो गर्मियों में दरअसल सूख जाती है, और उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो भाखड़ा डैम है, सॉरी नहर है, इसमें से एक नहर छोटी यहाँ से निकाल रहे हैं, और ये इधर से ये अभी पूरी नहीं हो पाई है, पूरी नहीं हो पाई है। ये यहाँ से एक छोटी नहर निकलेगी और ये उस कर्ण लेक में, कर्ण झील में जाएगी, जिससे कर्ण झील में 12 महीने पानी कभी नहीं सूखेगा। ये उसके लिए प्रोग्रेस यहाँ पर चल रही है। आइए कोशिश करते हैं जो नहर पक्की हो रही है इसको देखने की, और जो इसके अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग उनको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। आइए एक बार।
ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो रेस्टोरेंट है गवर्नमेंट का जो इस कर्ण लेक पर बनाया हुआ है, और यहाँ पर पार्टीज़ वगैरह, प्रोग्राम फंक्शन वगैरह मोस्टली होते रहते हैं। जैसा अभी भी आप देख रहे होंगे, अभी भी एक पार्टी यहाँ पर चल रही है। ये एरिया बिल्कुल जीटी रोड के पास है, नज़दीक है। आप अगर मेरे पीछे ध्यान से देखें, जीटी रोड नेशनल हाईवे 1 पर, वहाँ पर ट्रैफिक भी जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, और वहाँ से सोच सकते हैं आप ये जगह बिल्कुल कितना पास है। दोस्तों मैं भी बोटिंग करने की सोच रहा था, मैंने पर सांप को देख के इरादा बदल दिया है, और वो लगता है किसी बोट में ही घुस गया है। तो आप भी कभी अगर यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ सावधानी से, सांप भी हैं इस लेक में, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलता हूँ फिर आपसे जल्दी ही किसी और नई लोकेशन पर।